कहा भाई काम चल रहा है, ऐसा भाग लेता है कि बच्चों के कुछ भी नहीं है। आज मीडिया में आने का मकसद ये है, हम खुद मीडिया वाले हैं, मगर शहर हैदराबाद की प्राइज इंडिया जो कंपनी है, उनके कंपनी के जो चेयरमैन है सनोबर बेग, सरासर मीडिया वालों की आवाज को दबाने के लिए एक तो कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे, उसके बाद में कुछ एक ऑर्डर लेके आए हैं मीडिया वालों की आवाज को दबाने के लिए। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मीडिया की आवाज को दबाने के लिए इस तरह से ऑर्डर लेके आया है। मगर हमने भी ऑनरेबल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हमारे सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब के जरिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने भी सिविल एक सीएमए फाइल किया है और हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी अर्जी को कबूल किया है। 18 फरवरी जुम्मा के दिन उस पर सुनवाई होगी और उसके जरिए हक और बाकी का फैसला होगा, क्योंकि हम अब तक प्राइज इंडिया कंपनी के जो काली करतूते थे उसको आवाम के सामने उजागर करके आए हैं। मैं अकेला ही नहीं बल्कि हमारे ऐसे 32 मीडिया हाउसेस वाले हैं जिनके खिलाफ में इन्होंने सिटी सिविल कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है, जो सरासर मीडिया के खिलाफ में काम किया जा रहा है और उसको लेकर हम सभी लोग इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। और ऑनरेबल हाईकोर्ट हमको इसका फैसला देगा, हमको ये उम्मीद है और हम लोग आवाम की आवाज़ को उजागर करने के लिए सनोबर के एक्टिविटीज को बाहर पेश किए थे, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में होमवर्क किया है उसमें ये मालूम पड़ा है कि डजन्स ऑफ FIRs हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस भी हैं, मैक्सिमम 420, 506 और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को असॉल्ट करने के केसेस इन पर बुक किए हैं। मगर खास बात यह है, अब यानी इतने सारे FIRs रहने के बावजूद भी सनोवर बेग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। काफी दुख की बात है क्योंकि अब तक वो आवाम के थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज को खा चुके हैं। आप लोगों को सनोवर की एक्टिविटीज मालूम है, प्राइज इंडिया कंपनी किस तरह से लोगों को अब तक दुबाते आई है, अगर अब तक इनके खिलाफ में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यानी डजन्स ऑफ इनके ऊपर केसेस है। मगर सनोवर मीडिया के ऊपर क्या ऑर्डर लेके आए हैं आपको, यहाँ पे देखिए उनके कोई एक आदमी है, उन्होंने थ्रू व्हाट्सएप जो है सभी को एक नोटिस सर्कुलेट किया है कि मीडिया की आवाज को दबाना है, उनके खिलाफ में कोई एक्टिविटीज नहीं बताना है। हमारा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है सनोवर से, हम आवाम की जो तकालीफ थी, आवाम के साथ जो धोखा किया जा रहा था, उनके अपने एक्टिविटीज को हम आवाम के फेवर में ही बता रहे थे कि आवाम की तकलीफें क्या हो रही है, आवाम को प्राइज इंडिया कंपनी की तरफ से किस तरह की तकालीफें हो रही है उसको उजागर कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली उन्होंने बुकलाट का शिकार हो गए और कई मरतबे हम लोगों को थ्रेट भी किया गया है और हम लोग पर झूठे केसेस डालने के धमकियां भी दी गई है, उसको लेकर हम लोग अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं ताकि हम लोग को ये इंसाफ मिल सके। और ये उम्मीद है ऑनरेबल हाईकोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा। और अभी भी कुछ देर पहले उनके कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे ऊपर एक फ्रेश केस बुक किया है। तो हमारी यही एक बात है, अगर पुलिस वाले इस तरह से अगर काम करते हैं तो आइए हम लोग ठहरे हुए हैं, अगर हम लोग झूठे हैं, हम लोग अगर फॉल्स हैं, हम लोग अगर फोर्जरी करे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। मगर हुकूमत तेलंगाना और खास करके सिटी पुलिस के कमिश्नर सीवी आनंद और दूसरे रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत साहब है और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर है स्टीफन रविंद्रा साहब, हम सबसे अपील करते हैं और तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब से अपील करते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ में सख्त एक्शन लें, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज आवाम को काफी नुकसान हो रहा है और हैदराबाद की आवाम अपने सवों करोड़ हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए इनके पास स्पेंड कर चुकी है। वो एक झूठा दिलासा दिलाते हैं, झूठा एक आईना बताते हैं, उसके जरिए ही वो लोगों को अपना ट्रैप करते हैं। मगर उनके जो भी वेंचर्स होते हैं वो लिटिगेशन का शिकार है, जैसे कि अभी एक और एक कुछ दूसरा इनका लेटेस्ट वेंचर शुरू होने वाला है, ऐसे कई सारे वेंचर्स हैं। इतने कम वक्फे में हम लोगों ने इतने सारे डजन्स ऑफ FIRs को कलेक्ट किया है और न जाने ऐसे कितने FIRs होंगे, उस बात का तो अभी इंशाल्लाह हम लोग और 1-2-3 दिन में उस पर होमवर्क कर रहे हैं, 2-3 दिन के बाद में और आप लोग के सामने हम लोग खुलासा करेंगे। आप सभी लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों ने अपना वक्त लिया और एक तमाम से अपील है, जो जो भी प्राइज इंडिया का शिकार है, जो जो भी प्राइज इंडिया के विक्टिम्स है, आप लोग बाहर आइए, आप लोग बाहर आइए, हम लोग आप लोग के लिए अवेलेबल है,
आप लोग की आवाज उठाने के लिए हम लोग पिछले कई टाइम से साथ करे। मेरे साथ सचिव के सफुद्दीन साहब भी है, वक्त मीडिया के तनवीर साहब भी है, सिटी मीडिया के शहबाज भी है, और मेरे सभी भाई है हबीब भी है, सभी भाई लोग मौजूद है। सभी लोग आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। आप लोग बिना झिझक बिना डर खौफ के आइए। ऐसे धमकियां तो सभी को मिलते रहेंगे, मगर आपका साथ बराबर साथ दीजिए और बराबर अपनी लीगल बैटल, जो कोर्ट से बढ़कर कोई चीज नहीं है, उसके आगे सभी को कोर्ट का जो भी फैसला होता सभी को मानना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। टोटल कितने मीडिया हाउसेस पे केस बुक किए गए? उन्होंने अभी तक 32 मीडिया हाउसेस पे उन्होंने कंप्लेंट किया है कि ये मीडिया वालों को कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स लेके आए। वो ऑर्डर्स में किस तरह की सच्चाई है नहीं मालूम, मगर एक मैटर बता रहे हैं कि इसके जरिए यानी कोर्ट क्या कह रहा है वो टोटली बाद में हमारे अपने काउंसिल से मालूम करे तो मालूम पड़ा है कि वो ऑर्डर टोटली मैनिपुलेट है। उसको ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ में हम लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, हम लोग कोई उनके खिलाफ में फॉल्स प्रोपोगंडा नहीं कर रहे हैं। उनके जो गाली करतूते हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि उन पर अब तक उन पर क्रिमिनल केसेस बुक है। कितने क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर अभी तक? अभी तक तो हम लोग को मालूम पड़े हैं कि 32 से ज्यादा उनके ऊपर एफआईआर है, और ना जाने कितने एफआईआर है ये बात तो नहीं मालूम। हम लोग जो पिछले 2-3 दिनों में होमवर्क करे हैं, इतने सारे एफआईआर है और कितने एफआईआर होंगे। और ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे, ये जो आ रही जो एफआईआर आ रहे उसके ऊपर बता रहे हैं। बस हम मीडिया वाले गरीब आवाम के हक के लिए आवाज उठाए, तो आज हमारी आवाज को दबाने गए भाई। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो गरीब आवाम के लिए हम आवाज उठाए थे वो आवाम आइए, जो फ्रॉड हुए उनके हाथ से आइए हमारे पास आके, जो अपनी तकलीफ आए बताइए, मीडिया के सामने रखिए आप। नहीं, हमने अब तक जो भी बताया जीएचएमसी डिमोलिश की वो हमने बताया, तो इलीगल कहां से हो गया, ये वीडियो इलीगल कहां से हो गया। सनम बैग जो है हमको कमजोर समझ के डराने की कोशिश कर रहा है। सनम बैग को हम ये बता दें, अभी वो नादान बच्चा है, मीडिया वालों पर कुछ इल्जाम लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाइए। हम जो भी न्यूज बता रहे हैं ऑथेंटिक न्यूज बता रहे हैं। जीएचएमसी डिमोलिश की है वो हमने बताया, ईडी की रेट उनके मकान पे उनके ऑफिस से पड़ी है वो हमने बताया, तो इलीगल कहां से हो गया ये सवाल हमारा उठता है। तो बड़ा जो भी हो ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से हम डरने वाले नहीं है, डट के सामना करेंगे, जो होगा हम देख लेंगे। हम सभी मीडिया वाले एक साथ खड़े हैं, और राइट इंडिया एक छोटी सी कंपनी है, देश की बड़ी सी बड़ी कंपनी भी आ जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, इतनी ताकत हमने है। आठ फरवरी को लोअर कोर्ट से एक ऑर्डर आया है, इंजेक्शन ऑर्डर आया है हम सभी के लिए 32 मीडिया हाउसेस पर, जिसमें ब्राइट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल अलीम बेग अलियास सरोवर ने 32 मीडिया हाउसेस पर एक इंजेक्शन ऑर्डर लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई भी चीज न बताए न लिखे और न बोले। ये मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी एक क्रिमिनल की तरफ से। ये क्रिमिनल जिसके ऊपर मोर देन 30 एफआईआर है, वो शख्स कोर्ट को जाता है और ये कहता है कि मीडिया वाले मेरे बारे में बता रहे हैं, और वो मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने हाईकोर्ट अप्रोच हुआ है और हाईकोर्ट में कल हमारी हियरिंग है डिवीजन बेंच में, और हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर स्टे लेकर आएंगे, और फिर हैदराबाद के उन तमाम लोगों को और उन तमाम क्रिमिनल्स को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग क्राइम एक्टिविटीज करेंगे और जो भी करेंगे और हम ना बताएं ये नहीं हो सकता। आप लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमारा गला दबाने की कोशिश नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट अप्रोच हुआ, और हम सभी लोगों को ये आगाह करना चाह रहे हैं और ये चेतावनी भी देना चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऑर्डर मत लाइए।